सत श्री अकाल सारिआं नूं, की हाल चाल सारिआं दे। ऑल राइट, ते अज दा ब्लॉग च मैं तुहानूं अपना अपार्टमेंट दिखावांगा, लाइक आई एम गोइंग टू शो यू माय अपार्टमेंट। और पूरे ब्लॉग में ये बात करेंगे कितने का मिला, कैसे मिला, कहाँ मिला, लोग कैसे हैं, मेरे जो रूममेट्स हैं लाइक फ्लैटमेट्स हैं वो कैसे हैं, और क्या लोकेशन पे है, सारी चीज़ें आई लेट यू नो इन दिस वीडियो। ये है मेरी बिल्डिंग और अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आगे से, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, हर जगह से मुझे कहाँ क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं इसमें। ओके, दिस इज़ माई बिल्डिंग। मैं ख़त्म ही नहीं हो रही, हो गई जी है। दिस इज़ हॉर्नबे स्ट्रीट 933 और बिल्कुल नीचे ही है टिम हॉर्टन्स मेरे बिल्डिंग के, क्लब पिलाटेस, टॉप ड्रॉर्स और आगे स्नैक स्टोर्स और सब कुछ है वो रहा। ऑल राइट, और नया किचन खुल रहा है यहाँ पे, अर्ल्स किचन। ओके, सो दिस इज द एंट्री टू माय बिल्डिंग। ऑल राइट, अब आपको चाहिए ये चाबी अंदर जाने के लिए। यह है सेंसर, सेंसर अप्रूव करेगा, दरवाज़ा खुलेगा, उसके बाद ही आपको एक्सेस मिलेगा अंदर जाने का, उसके बिना नहीं मिलने वाला। ऑल राइट, नाउ वी हैव एक सेकंड में। अच्छा, अब इस चाबी का फंक्शन फिर से लिफ्ट भी नहीं चलेगी बिना इसके, पहले आपको ये करना है, फिर आपको मैं भी पहले जिम दिखा रहा हूँ, उसके बाद अपना अपार्टमेंट। मेरा वैसे 12th में है राइट, बट मेरे पास सिर्फ 3 फ्लोर से एक्सेस है, दैट इज 2, 11 एंड 12। ओके, जिम से शुरू करते हैं अगेन। या हर चीज़ के लिए चाबी चाहिए आपको। ये है मेरा जेन। ऑल राइट, वैसे नहीं है लाइक हमारे इंडिया से जिम जैसा जिम नहीं है, बट या यहाँ पे इट्स लाइक बिल्डिंग का जिम है तो फिर ज़्यादा हैवी मशीन्स नहीं होती हैं, ये लोग कार्डियो ज़्यादा करते हैं यहाँ पे वैसे भी। सो बट समथिंग इज बेटर फॉर मी राइट। इसका एक्सरसाइज है मेरे पास। ऑल राइट, ओके, चेंजिंग एरिया राइट, ये अपना मेंस का, वुमेन में तो जाएंगे नहीं हम राइट। तो आएगा है चेंजिंग रूम, लॉकर रूम, तो हमें लॉकर देना राइट। देयर आर टू वॉशरूम्स, 1 एंड 2, एंड देयर इज शावर रूम बिहाइंड इट। ये बहुत सही चीज़ है, जिम के बाद पसीना आप सुना आ जाता है, ठीक है। ये है सामने आपका क्लीनिंग, ये जो चीज छोटा दिख रहा है ना, साबुन आता है इसमें से साबुन। यह मीटिंग रूम, यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, मीटिंग रूम है। यह लॉन्च, जैसे आपको पार्टी वार्टी करनी है तो आप यहाँ आ सकते हो राइट। यहाँ पे आके आप दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर सकते हो, और यू नो देयर इज़ अ फायर प्लेस देयर, बहुत सुंदर जगह है। कभी आपके दोस्त वगैरह आ गए तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हो उनके साथ, कुकिंग वगैरह सब कुछ। किचन साथ में है और बहुत सुंदर है, ये लाइट अप होती है, बहुत सेक्सी लगती है। आई थिंक सो आई कैन गो फॉर इट, लेट्स सी। आता हूँ, फायर प्लेस कैसे लाइट अप होती है ऐसे, और बहुत सेक्सी लगती है, बहुत सेक्सी, ट्रस्ट मी। आप जब यहाँ बैठे हो इधर सोफे पे होगी ऐसे, OMG सुपर। ये था लॉन्च, आप यहाँ पे बैठ के दोस्तों यार बैठ सकते हो, वो बहुत गुड है यू नो। ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है मेरे को, कितने में ये मैं बताऊँगा। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, आई वेरी लकी, हर चीज़ के पास है, सेंट्रल डाउनटाउन में है, सब कुछ बहुत क्लोज है मेरे यहाँ पे ना। सो या
अब चलते हैं ऊपर फ्लोर नंबर 11th पे, वहाँ पे पार्क है, आई शो यू द पार्क। आज वीकेंड है, गोरे ज़्यादा वर्कआउट करते नहीं है, वीकेंड पे मस्त छोटी मोटी बनाते हैं, आज संडे है यहाँ पे। और चलो पार्क दिखाता हूँ, वहाँ तक जाना है, पार्क दिखाएंगे आपको। ओके सो पैट्स आर नॉट अलाउड, राइट? ऑल राइट, फिर दोबारा एक्सेस तभी मिलती है भाई। ये है सेट मामला, हम आ गए हैं पार्क में, 11th फ्लोर पे है ये पार्क। ओके सो यहाँ पे स्टूडियोज़ वगैरह भी हैं, इनको बोलते हैं बैचलर स्टूडियोज़। ये रहे, बहुत कॉस्टली है बट ये रेंट आउट करने के लिए, पर बहुत सुंदर भी है। सबसे एक्सपेंसिव है मेरे ख्याल से इस बिल्डिंग पे एक ये और एक जो सबसे ऊपर वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाले को रूफ एक्सेस है। तो ये रहा आपका पार्क, जो मतलब मेरा पैक, यहाँ पे आप जो भी स्मोक वगैरह करते हैं उनके लिए सेट है मामला, छोटे वोटे पीने के लिए और अपनी जिनकी सहेलियाँ हैं यहाँ पे बंदी बुंदी लेके आने के लिए बैठ सकते हैं मस्त, पर उस हिसाब से उनको रेंट भी पे करना है। तो या मामला सेट है यहाँ पे, है ना, ऊपर ही 11th फ्लोर पे पार्क है, लॉन्च है, और क्या ही चाहिए। सो एवरीथिंग इज़ गुड बट क्वाइट एक्सपेंसिव। और अच्छा, एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, सी बच्चों के लिए प्ले एरिया है, राइट? बहुत गुड है, बेचारे पेरेंट्स वगैरह अपने यहाँ पे नैनीज के साथ छोड़ जाते हैं उनके बच्चों को, मतलब उनकी नैनीज लेके आती है और दे कैन प्ले अलॉन्ग समझ में। और यहाँ पे बताते हैं, इन लोगों ने मेरे को बताया, बॉल्स वॉल से भर देते हैं इसको अच्छे से, सो नाइस, राइट? अब ये रहे अपार्टमेंट्स, हमारा जो अपार्टमेंट है वो है वो वाला, वो बत्ती जल रही ना, उसके नीचे वाला अपार्टमेंट है हमारा। ओके मैं जा रहा हूँ अपार्टमेंट वापस, बाकी बातें दिखा दी ना, अब आपको अपार्टमेंट दिखाता हूँ और बाकी सारी बातें फिर अपार्टमेंट बैठ के करते हैं। ओके दिस इज माई अपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक एवेन्यू बिल्डिंग का नाम है। एंड हाँ, यहाँ पे सेंसर नहीं है, यहाँ पे कुछ चाबी लगानी पड़ती है। ऑल राइट सो शूज़ आने पड़ेंगे क्योंकि इसके आगे शूज़ अलाउड नहीं है, राइट? क्या सबके घर में ऐसा ही है? ओके सो दिस इज़ द शू रैक, राइट? मैं वैसे बाल करने से शुरू करता हूँ, वेट आइडिया गो। ऑल राइट सो दिस इज़ द बालकनी व्यू, राइट? नाइस, पूरा पार्क, तुम्हारा पार्क। एंड दिस आर द बिल्डिंग्स, इसकी आगे तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। एंड पूरा सामने YMCA, तो द फिटनेस लवर्स, ये YMCA है। ऑल राइट, यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ होता है, जिम, यंग मैंस एसोसिएशन, सी से चर्च एसोसिएशन, कुछ ऐसा नाम है इसका। ओके सो दिस वॉज द बालकनी व्यू, अच्छा है ना? तो जैसे सवेरे सवेरे चार चूला के बैज गुड, नो? उसके बाद अभी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर से। अब हम जा रहे हैं अंदर। ओके सो दिस इज बालकनी अंदर होते हैं। ओके यहाँ है, ये अंदर से व्यू है, राइट? ठीक है, सो दिस इज आवर लिविंग एरिया। ये मेरे रूममेट जो हैं, लाइक अपार्टमेंट मेट्स जो हैं, फ्लैट मेट्स, उनका वो यहाँ पे अपना मेकअप करती हैं, ये रहा कपल, और ये रहा लिविंग एरिया है। ऑलराइट एंड दिस इज डियागो, हाय डियागो, व्हाट आर यू कुकिंग फॉर अस टुडे? यू आर कुकिंग व्हाट? एग्स। ओके कूल, नाइस। So this is the kitchen area, all right? That's pantry,
This is the pantry area. Right. And microwave, induction. This is a dishwasher. ये सब मैंने ही होता है. ये बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है. All right. Okay. So including this, इसी के अंदर ड्रायर वॉशर दोनों अंदर ही है. यहाँ पे पैसे बचते हैं जो आप बाहर देते हो. Right. I'm gonna show you the washroom, the clean and neat washroom. All right. Obviously the bathtub with the shower. All right. And okay, let's go. Now I'm gonna show you my room. जो मुझे मिला है, कितने में मिला है उसकी हम बात करते हैं अभी. टाटा. So this is my room. पहले बाबा जी देख लो यार. आप सब तो पहले बाबा जी लाए सी आते. वाहेगुरु वाहेगुरु. सो दिस इज़ माई रूम. छोटा है? नहीं, बहुत है. इतना अगर आपको डाउन टाउन में मिल रहा है, एक बेड मिल रहा है, मोर देन इनफ है. बाकी मैंने यहाँ पे भी वो लगा लेना स्टैंड, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. ऑल राइट. ये मेरा रूम है. इस रूम के साथ जो जो आप लोगों को फैसिलिटीज मैंने दिखाई है वो मिल ही रही हैं. ऑब्वियसली दिस इज द कबर्ड. अभी वो सारे कपड़े जो अंदर रखे हैं मैंने यहाँ टांग दिए हैं यार. वो यू नो अभी टाइम नहीं लगा. स्टडीज़ का सब बिजी हूँ तो मैं एक्स्ट्रा पे शेड्यूल. दैट्स इट. अब हम बात करते हैं रेंट एंड ऑल की. वो मैं आपको बैठ के बात करूँगा. ओके. तो रेंट वेंट की बात कर लेते हैं. अच्छा, तो ये मुझे मिला कैसे वही बताता हूँ आपको. रेंट कितना है वो भी बताता हूँ. अच्छा, तो ये मुझे मिला फेसबुक मार्केट प्लेस से. और मेरे भैया के फ्रेंड थे, वो यहाँ पे रहते हैं. और उन्होंने मेरे लिए यहाँ के चेकआउट कर लिया था. मैंने मार्केट प्लेस पे इसके बारे में इनसे बात कर ली थी, इनके ओनर से. एंड आई हैड देयर नंबर. मैं कॉल वगैरह सारी वहाँ पे कर ली थी. और उसके बाद वो जो मेरे भैया के फ्रेंड है दैट इज सुदेश, वो इधर आए. तो उन्होंने चेक किया. एंड इन्हों नाल जोड़े दूजे कपल है उन्होंने एबला रूम उन्होंने हैगा है. तो एबला रूम भी आपका हैगा है. और उसके बाद उनको अच्छा लगा, तो और जो रेंट वगैरह था वो भी अच्छा लगा. राइट. तो मतलब अच्छा क्या लगा, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव बट स्टिल काफ़ी जगह मैं पैसे बचाता हूँ. जहाँ पे जो मेरे यहाँ से लोग मेरे यूनिवर्सिटी से लोग दूर रहते हैं वो पे करते हैं उसमें. तो ठीक है, क्वाइट गुड. अब उसके बाद सॉरी डियागो इज कुकिंग ना. सो तो राइट, इसमें पैसे बचाता हूँ. अब ये सारी चीज़ें मुझे मिलती हैं, प्लस इंक्लूडिंग इंटरनेट. राइट. ऑल द अदर यूटिलिटीज जो भी नेसेसिटीज होती हैं वो सारी इंक्लूड करके आई एम पेइंग $850 फॉर अ मंथ. ऑब्वियसली फॉर अ मंथ. राइट. और उससे पहले मैंने लीज साइन करी थी. लीज मैंने 3 महीने की साइन करी है अभी यहाँ पे. आई विल श्योरली एक्सटेंड क्योंकि इट्स रियली हार्ड टू फाइंड दिस काइंड ऑफ प्लेस. मुझे जिम वगैरह का एक्सेस मिल रहा है क्योंकि भाई बिना जिम के तो यू नो काम ख़राब हो जाता है. बिना जिम के तो मैं रह नहीं सकता. काफ़ी जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर होंगे, जो फिटनेस में होंगे, जो कनाडा आ रहे हैं अपनी फील्ड लाइक फिटनेस में कुछ नहीं कर पाए, इंडिया में जो लोग भी आ रहे हैं तो उनको पता रहेगा रहता होगा कि भाई साहब बिना जिम के एक दिन निकालना कितना दिक्कत होता है. सो ऑब्वियसली जिम वॉज माई प्रायोरिटी. और अगर वही जिम मुझे इसके अंदर मिल रहा है जहाँ पे मैं अभी थोड़े टाइम तक अपने मसल्स की ग्रोथ वहीं रोक के रखूँ तो दैट्स गुड. राइट. अब मेरी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग है यहाँ से. यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए सिर्फ 10 मिनट मेरे को वॉक करना है. मैक्सिमम 15, कुछ भी इससे दूर नहीं है. सिर्फ 15-10 मिनट के अंदर है. जो स्काई ट्रेन स्टेशन है 2 ब्लॉक छोड़ के ग्रैनुल स्टेशन है यहाँ पे. बाकी सारे बहुत, वैंकूवर सिटी सेंटर भी बहुत पास में उसके, और वाटर फ्रंट है वो भी बहुत पास में. सारे बहुत बहुत पास पास में सारे. तो मेरे यहाँ पैसा बचते हैं ट्रैवलिंग में, ट्रांजिट में काफ़ी पैसा बचता है. उसके बाद टाइम बचता है. और बाकी अगर किसी को जॉब्स वगैरह भी चाहिए, सबसे ज़्यादा जॉब्स यहीं पे ही हैं. सब लोग वैंकूवर डाउन टाउन में ही आते हैं काम करने के लिए. जो दूर दूर से भी आते हैं, सरी वगैरह से आ रहे होते हैं, रिचमंड से आ रहे होते हैं, उन लोगों को काम यहीं मिलता है. कैम्बी से आ रहे होते हैं लोग. ओके. सो यहाँ पे पैसे बचते हैं. तो उसके बाद दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव नो डाउट, बट आई विल सजेस्ट यू. और हाँ, आई विल सजेस्ट यू के
फेसबुक मार्केट प्लेस में ना स्कैमर्स बहुत ज़्यादा है। सो मेक श्योर कि अगर आप मेरे जैसे कुछ कर रहे हो तो आपका कोई हो यहाँ पे जो आपके लिए अपार्टमेंट जाके चेकअप कर ले, क्योंकि भाई साहब एक तो पता नहीं कैसा स्कैम करते हैं उनको, मेरे ख्याल स्कैम करना नहीं आता। मैं दिल्ली से हूँ तो हमें तो डिप्लोमेस करे हुए हमने ये चीज़ों के अंदर, बट बहुत स्टूपिड स्कैम करते हैं। कहते हैं $50 दे दो आपको तब हम अप्रूवल देंगे मकान देखने के। अरे भाई तेरा दिमाग खराब है भाई, $50 तेन मकान देखने दे दवाँगा मैं, कोई सेंस बनती तेरी गल की? स्कैम करना ढंग से करो यार। तो ऐसे स्कैम करते हैं, कह रहे फॉर्म साइन करने के आपसे $20 लेंगे या $50 लेंगे, एक फॉर्म होता है वो आपके एप्लीकेशन डालेंगे। सो इससे लाइक यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, एंड कोई भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये स्कैमर है या नहीं है, आई हेल्प यू आउट गाइस। आप मुझे बताओ अगर आपको फेसबुक मार्केट प्लेस से जगह मिल रही है, अगर मेरे नियर अबाउट है मैं जाऊँगा, मैं आप लोगों को चेक करके आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मैं बता दूंगा कि हाँ भाई बंदे जेन्युइन है या नहीं है, यू शुड मेक योर सिक्योरिटी डिपॉजिट या नहीं। ऑलराइट, तो ये ऐसा होता है कि आप लोगों को पैसे पहले देने होते सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना होता है। मैंने भी करके दिया है इनको अपना। वन इज दैट डियागो, ही इज़ फ्रॉम मैक्सिको, आई इंट्रोड्यूस यू गाइस टू देम। और वो हैं इंडिया लुधियाना से हैं, बट वो ऑलमोस्ट लुधियाना से नहीं, दे आर पी आर हेयर, काफ़ी 6 साल हो गए उनको यहाँ पर रहते हैं, दे आर डूइंग रियली फाइन, दैट्स अ कपल। और बस यही था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी और दैट्स इट। अच्छा तो अब आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम कर देना, लास्ट में मेरे को DM कर देना इंस्टाग्राम पे। और भाई अगर DM करोगे तो फॉलो भी कर देना, वरना रिप्लाई नहीं करोगे, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस आपके जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कमेंट सेक्शन से बढ़िया आप इंस्टाग्राम पर डाल देना क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ऑलराइट, तो एक मिनट भाई, बाल बांधने में यार गर्मी से लग रही है, मेरे को हीटर चल रहा है मेरे मुँह के बिल्कुल नीचे। हाँ तो कहाँ पे था, हाँ DM वगैरह डाल देना, और जो भी आपकी सिचुएशन है आई हेल्प यू आउट गाइस, जितना भी मेरे से बनेगा, क्योंकि मैं भी यार नया ही हूँ तो सारी चीज़ें भी देख रहा हूँ, बट या आई श्योरली हेल्प यू। और मैं हमेशा लाइक हर वीडियो के एंड में आप लोगों के जो भी 5 क्वेश्चन होंगे उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा, जितना भी अच्छा कर सकता हूँ मैं, आई हेल्प यू इन दैट केस। अगर आप लोगों को कोई अकोमोडेशन वगैरह के लिए भी हेल्प चाहिए तो भी मुझे बता देना, यहाँ पे मेरे लोन्स हैं जो रेंटल बिजनेस में हैं, मैंने बात बात करी है उन लोगों से, आई थिंक दे माइट हेल्प यू, और मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। बट यही है कि यू गाइस प्लीज सपोर्ट मी। और जो भी वैंकूवर वगैरह आ रहा है डाउन टाउन, मतलब UCW में आ रहा है या आसपास मेरी जो भी यूनिवर्सिटीज़ में आ रहा है, UBC और SFU है मेरे ख्याल से, साइमन फ्रांसिस यूनिवर्सिटी, एंड द अदर वन इज़ ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया। तो अगर इन सारी चीज़ों में आ रहा है, यू कैन लाइक आस्क मी एनीथिंग, आई विल हेल्प यू इन दैट थिंग। और दैट्स इट, अगर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम इन द कॉमेंट सेक्शन, बट उससे बेटर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि लाइक बोलिएगा इन द DM, और डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ूंगा। मैं कोई भी टॉप 5 जो लोगों के जिसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, आई विल ट्राई टू आंसर देम। हर वीडियो के एंड में 5 क्वेश्चन, अगर 5 आप लोगों ने नहीं पूछे तो जो भी है 2-3 क्वेश्चन होंगे उसका आई विल आंसर टू दैट। और दैट्स इट, थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग मेरा होगा यहाँ पे मैंने क्या डॉक्यूमेंटेशन करी हैं, और मतलब आते ही क्या क्या करा मेरा, कैसा रहा सारा ट्रिप वगैरह, मैं कैसे आया यहाँ पे, और अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगा। अभी तक मैं हुआ हूँ अच्छी है, ऐसा मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं यूनिवर्सिटी में, बाकी असाइनमेंट्स वगैरह मिले हैं पूरे करेंगे, उस हिसाब से पता लगेगा टीचर्स कैसे, उस सब के बारे में हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। राइट नाउ सत श्री अकाल सारिया नू, वड्डिया नू मेरी पूरा, जो कोई गलती हुई तो माफ़ करियो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और दैट्स इट, चंगा।